सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है, देश और राजधानी? तो तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, कजाकिस्तान, अलमाटा, हांगकांग, खार्तून, जॉर्डन, अम्मान। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, कजाकिस्तान का अलमाटा है, जॉर्डन का अम्मान है, लेकिन हांगकांग का खार्तूम नहीं है। हांगकांग का विक्टोरिया है और सूडान का खार्तूम है। सूडान ऊपर नीचे उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान हो चुका है। तो एक का खार्तूम है ऊपर वाले का, नीचे का जुब्बा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? रूस का रूबल, म्यांमार क्यात, चीन रेनमिनबी, ताइवान येन। तो रूस का रूबल सही है, म्यांमार का क्यात सही है, चीन का रेनमिनबी भी सही है, पर ताइवान का होता है ताइवान डॉलर और जापान का होता है येन। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 321। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर है बी होगा, अनुच्छेद 343। अब यहाँ देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो भाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न पे हम लोग जाएंगे, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन असत्य है? भाषा परिवार 1%, हिंद आर्य भाषा परिवार 76.87%, द्रविड़ भाषा परिवार 18.87%, ऑस्ट्रो एशियाटिक 1.11, चाइना और तिब्बती भाषा परिवार। तो हम लोग यहाँ देखेंगे चौथा का आंसर होगा बी, द्रविड़ भाषा परिवार 20.82% है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न, गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का है ए, गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। फिर छठा है कथन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, दूसरा है विलियम मैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो छठा का देखिए, इसका होगा बी, यानी केवल दो। अब यहाँ देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी तक और 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो मैं आपको बता दूं कि आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर को अमर्त्य सेन जी का जन्म है, जो नोबेल के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जिनको नोबेल मिला था 1998 में, उनका अमर्त्य सेन का जन्मदिन है। चलिए इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सातवां का उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो सातवां का आपको है डी, दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी। तो हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जो है 1825 से लेकर 1917 ईस्वी इनका जीवन काल है। इन्होंने देखिए कि 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो आर्थिक दुरावस्था है उस पर प्रकाश डाला था। अब अगला आते हैं, आठवां क्वेश्चन है कि मोपला, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो कहाँ हुआ था?
तेलंगाना में, मालाबार में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में। तो 1921 आठवां का आपको है सी, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। तो दक्षिण मालाबार यानी केरल के जो मुसलमान पट्टेदार यानी कनामदार तथा खेतिहर वेरम पटमदार को मोपला कहते हैं, यहाँ जमींदार हिंदू की ऊंची जाति नंबूदरी नायर जाति से थे। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह के दो कारण थे, पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। तो इन सभी वजह से 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। अब यहाँ देखेंगे नवा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, किसके, बालिकाओं के शिक्षा पे, उच्च शिक्षा पे, प्राथमिक शिक्षा पे, तकनीकी शिक्षा पे। तो नवा में देखेंगे नवा का सी होगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 1954 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने W.W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला है दसवां प्रश्न है कि बंगाल की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बंगाल की सीमा से लगे कौन हैं, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। बी है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। डी है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो गौर कीजिएगा दसवां पे, दसवां का होगा सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। देखिए बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल लगभग 2216.7 किलोमीटर है, असम 263 किलोमीटर है, मेघालय 443 किलोमीटर है, त्रिपुरा 856 किलोमीटर है, मिजोरम 318 किलोमीटर है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, 11वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, काजीरंगा असम, करबेट उत्तराखंड, बांदीपुर तमिलनाडु, संजय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश। तो 11वां का हम लोग देखेंगे काजीरंगा असम में है, कार्बेट उत्तराखंड में है, बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, किस में नहीं गुजरती है। तो यहाँ देखेंगे कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले जो भारत के राज्य हैं कुल 8 हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें सी जो है मणिपुर वो नहीं होगा। चलिए अगला देखेंगे कि कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से याद रखिएगा। चलिए ए बी सी डी देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए वर्ष 2019 के इंडिया मिनरल्स ईयरबुक में जो कोयले के संचित भंडार क्रमशः है, झारखंड में 84,505 मिलियन टन, उड़ीसा में 80,840 मिलियन टन, छत्तीसगढ़ में लगभग 59,000 मिलियन टन है। तो इसमें सी आपको सही होगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 28, 9, 28, 8, 29, 8, 29, 8। तो 14वां का आप सोच चुके होंगे, देखिए 14वां का आंसर होगा सी, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव कर दिया गया है। तो अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, ठीक है, संथाल, कोल, गोल, गोंड और भील, तीन में कौन होगी। तो इसका सही उत्तर है डी, भील। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समुदाय की जो जनसंख्या है वो लगभग आपको 1,70,71,049 है। तो भील जनजातीय समूह ज़्यादा है। इसके बाद 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1947। तो यहाँ देखेंगे इसका
उत्तर है सी, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। 17वां हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम जो बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका है सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। अब है 18वां प्रश्न, संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो 18वां का होगा डी भाग 9। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब है सुमेलित कर रहे हैं, ठीक है पहले यही देख लेते हैं। सूची और सूची 2, 7वीं सूची, 8वीं सूची, 9वीं सूची, 10वीं सूची, तो ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। 7वीं सूची में क्या होगा, विधायी शक्तियों का वितरण होगा। 8वीं अनुसूची में क्या होना चाहिए, भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो जब आप यहीं पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी होगी, तो कोशिश कीजिए यहीं पे निपटा दें इसे। सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया है प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए, भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे 20वां का होगा डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुस्कान पहल शुरू की है। इसे जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण बाल अनुकूल सुविधा आधारित सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है क्या, अल्प रोजगार, बचत के निम्न स्तर, मुद्रास्फीति, असंगठित क्षेत्र, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 21 का डी होगा, भारत में राष्ट्र आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बहुत बड़ी समस्या है। 22वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी को, नरवीर सिन्हा राव जी को, विमल जलान को, पी चिदम्बरम को, तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है और उस समय मनमोहन सिंह जी जो थे वो भारत के वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, 3री, 7वीं, 5वीं, 9वीं, तो 23वां में होगा ए, 3री पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। वर्ष 1961-65 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1% दर्ज की गई थी। 24वां प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, निर्यात संवर्धन से, लघु मध्यम उद्योग से, कृषि विकास से, ऊर्जा क्षेत्र सुधार से, तो आबिद हुसैन जो समिति है, ठीक ना, लघु उद्योग की समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास से सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर 1995 में डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। 24 का बी। इसके बाद आगे देखेंगे, सुपॉस पोर्टल संबंधित है किससे, तो सूक्ष्म लघु मध्यम से आदिवासियों की छात्रवृत्ति से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के प्रयोग से या इसरो में नवीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, तो 25वां का होगा सी, इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लॉन्च किया गया कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना है। 26वां है, निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो 26वां का सी, देश का पहला जो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर परा स्नातक तक की जो कक्षाएँ हैं संचालित किया जाएगा। अगला है 27वां, निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश नहीं है, जापान, अमेरिका, भारत, इजराइल, क्वाड में कौन सा शामिल नहीं है, तो 27 है का होगा डी, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया था, इसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है। अब इसका उद्देश्य जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति मुख्यतः चीन को प्रभाव से मुक्त रखना। 28वां है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य मिलान है? कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया है। कार्बोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कार्बोवैक्स भारत बायोटेक बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित है। तो असत्य कौन सा है? तो 28वां का डी, कार्बोवैक्स जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित है। चलिए 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को GSDP के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा? तो 29वां का आपको सी है, विद्युत क्षेत्र में 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित है, सी। 30वां हम लोग देखेंगे, आपको पुस्तक गांधी सियासत और कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? तो 30वां का होगा आपको ए, पुस्तक गांधी सियासत कम्युनिज्म के जो लेखक हैं पीयूष बाबेल जी हैं। तो इसी तरह से रेगुलर ये अब सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो रेगुलर रहेगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।